MTV हसल फर्स्ट रैप शो। ऑलरेडी दो सीजन बीत चुके हैं, अब आ गया हसल 03 रिप्रेजेंट। सैटरडे संडे 7 PM फ्रॉम 21 अक्टूबर 2023, जिसके जज हैं बादशाह और स्क्वाड बॉसेस ने पोस्टर देख के आप समझ ही गए होंगे अपने न्यू थीम सॉन्ग के साथ। हसल कर तू हासिल कर, वी हसल हार्ड, खुद की सोच को रिप्रेजेंट कर, वी हसल हार्ड। विद डीनो स्क्वाड नेम डीनो वॉरियर्स, फिर है इक्का स्क्वाड नेम इक्का गैंगस्टर्स, फिर है DMC स्क्वाड नेम DMC डायनामाइट्स, फिर है EPR स्क्वाड नेम EPR रिबेल्स, जो हर परफॉर्मेंस के बाद कमेंट करेंगे, स्कोर देंगे एंड देन मेंटर करेंगे अपने स्क्वाड मेंबर्स को, जो कि हसल के टॉप 16 कंटेस्टेंट होंगे। 4 इन ईच स्क्वाड फ्रॉम टोटल 20 कंटेस्टेंट, 4 विल बी एलिमिनेटेड फर्स्ट बैटल ग्राउंड। तो शो शुरू होता है न्यू होस्ट विकेट सनी एंड सुपर मानी की लाइन से, प्रेजेंटेड बाय पोको MTV हसल 03 रिप्रेजेंट को, पावर बाय गोगो साउंड बार, टी-सीरीज माइलस्टोन एंड एपी, जो बताते हैं एपिसोड फर्स्ट का थीम है रिप्रेजेंट एंड टू बी सिलेक्टेड एज टॉप 16 कंटेस्टेंट दे नीड टू गेट एटलीस्ट 3 माइक ड्रॉप्स फ्रॉम स्क्वाड बॉसेस विद इन 90 सेकेंड। जिनको नहीं मिलता ये प्यार, उनको मिलता दूसरा चांस, जिसका रिजल्ट जज बताएंगे। तो लेट द हसल रिव्यू बिगिन। शो शुरू होता है पहले रैपर बादल से, जो रिप्रेजेंट करते हैं खुद को संगीत के छोरे से। इनके रैप का टाइटल है ड्रीम गर्ल, जो मुझे कुछ खास पसंद ही नहीं आया। इनका हुक है तू मेरे सपने आली रानी मैं तेरा राजा, इनका तो बज गया बैंड बाजा, मतलब काहे बैड रिव्यू दें। अब शो पे आए तो बात तो होगी ही कुछ, पर मुझे नहीं लगता है ज़्यादा टिक पाएंगे। पता नहीं कैसे फर्स्ट रेडियो रेडी मिल गया, ज़बरदस्ती अप्रिशिएट दे दिया गया शायद। फिर हुई शुरू स्क्वाड बॉसेस की मस्ती बादल को अपने स्क्वाड में बारिश करवाने के लिए। जितना मैं मजाक करता हूँ ना, उससे ज़्यादा ये लोग कर रहे थे शो पर, आप खुद ही देख लो। वर्स फिर बस क्या, गे पंती बादल पे इक्का की पप्पी पे फ्लैट बादल और बन गए गैंगस्टर्स, क्योंकि इन्हें पसंद नहीं कोई इनको गे कहे। क्या मैं कैरी मिनाटी जैसा कर रहा हूँ? वह लग ही नहीं। तो बढ़ते हैं अगले सीन पे, जहाँ आते हैं केडन, जिसमें मुझे कुछ बात दिखी। हैदराबाद का फर्स्ट रैपर जिसका ये पहला ही रैप सॉन्ग स्ट्रीट सेलिब्रिटी 10 मिलियन व्यूज क्रॉस कर गया। शो पे तो स्टैंडिंग ओवेशन, साथ में सिंग करने को बोला रेडियो रेड्डी मिला, और खुद स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन ने ट्वीट किया और IG पे स्टोरी लगाई सपोर्ट करने के लिए। आते ही बिग अचीवमेंट, आप रैप खुद सुनिएगा, क्योंकि मुझे पसंद नहीं आया उसका डिसीजन गैंगस्टर बनने का। मुझे लगा था वॉरियर बनेगा, पर क्या करें, बोलता ही है केडन बोले तो केडन। तो हम भी दिखाते हैं अगला सीन, जहाँ पर आई फर्स्ट फीमेल रैपर ऑफ दिस सीजन एंड मेरी फेवरेट मृणाल शंकर, जिसको मेरा फुल सपोर्ट है। और क्या वॉइस है, क्या स्किल्स है, क्या सिंगिंग है, हिप हॉप की शेरनी DHH की। इसका अलबेला रैप वर्जन क्लासिकल सॉन्ग का RCR की याद दिला दी और उसकी ही तरह छा गई। रेडियो हिट तो मिल ही गया इजिली। मुझे इसका डिसीजन पसंद आया EPR इज बेल्स ज्वाइन करने का। बादशाह ने पावर दी थी चूज़ करने की, मैंने इसके रैप की लिरिक्स चेंज कर दी और मेल वर्जन रिलीज़ किया अलबेली, जो कि मेरी प्लेलिस्ट लव सॉन्ग्स पर अवेलेबल हो जाएगा बाद में, डू चेक। बढ़ते हैं अगले सीन पे, बिना कुछ और अपने आप को प्रमोट किए। पर मुझे जो लाइन पसंद आई वो मैं आपको सुना देता हूँ। मैं मशहूर जितनी वो तो नहीं गुमनाम, इंसान महान वो मैं बदनाम, अरमान में सब की वो मेरा गुमान, वही आगाज वही अंजाम। बहुत ही कंप्लीट परफॉर्मेंस, इसने मेरा दिल खुश कर दिया, माइंड ब्लोइंग। मुझे यकीन है मेरी तरह आपको भी इसका रैप जरूर पसंद आएगा। शो मिलाता है अपने अगले कंटेस्टेंट से, विजय दादा बम्बई 4-3 से, जिसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ मोर देन आर्टिस्ट एज अ पर्सन आफ्टर लिसनिंग हिज रैप नी मामा, जो इतना बढ़िया नहीं था बट लिरिक्स कूल थी, इट हिट मी। इनको भी मिला स्टैंडिंग ओवेशन बादशाह से रेडियो रेडी भी, और ये वॉरियर बनते हैं जज द्वारा। और ये फर्स्ट कंप्लीट परफॉर्मेंस थी। इसके बाद आया TV पे गौश, जिनका रैप था रन, मुझे कुछ पसंद नहीं आया बट लिरिक्स और स्पीड थी। कार्टून नेटवर्क वाला वर्ड पे राइम मुझे भी अच्छा लगा, सब बॉसेस की तरह। गौश फिर बताते हैं मैं वीज़ा छोड़ दिया हूँ और मैं वापस रैप करने आया, मुझे ये डिसीजन ठीक नहीं लगा बट EPR टोल्ड यू विल नॉट रिग्रेट एंड बाय हेयरिंग दिस ही चूज EPR एज इट वुड इंक्रीज हिज लिरिकल स्किल्स मोर। गौश को रेडियो रेडी नहीं मिला, मुझे तो पता ही था। फिर आया पोएट शेफ,
हैविंग अ ब्लेस्ड वॉइस, इनकी एंट्री विद द कंटेंट फर्स्ट चूजन वॉज परफेक्ट। और क्या ट्रैक था, काफिला। मुझे हुक इतना पसंद आया कि कई बार मैंने सुना, बट अलबेला जितना नहीं। हुक तो EPR भी सुनते ही खड़ा हो गया, हूट करने लग गया। लेकिन निकला पूरा काफिला, फिर शुरू हुआ ऐसा सिलसिला, फिर पूछे लोग ऐसे किया कैसे, मैं रुका नहीं, झुका नहीं कभी। वॉट अ कम्प्लीट हुक मैन। पूछने जाने पर इन्होंने अपनी एज बताई 31 एंड बस सेंट हिम टू बिकम वॉरियर टू मेड अ शिफ्ट इन रैपिंग पर्सपेक्टिव एंड डिलीवरी। यहीं पे एपिसोड 1 खत्म हुआ। यू कैन री लिसन देयर फुल परफॉर्मेंस ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सो लेट्स रिव्यू ऑफ दिस बिगेन। तो हटाते हैं एंड भगाते हैं हॉट सीन्स को और मिलते हैं एपिसोड 2 के फर्स्ट रैपर। फ्रॉम दिल्ली रिप्रेजेंट करते हैं फॉल्क रैप, पंजाबी फ्यूजन एंड हिज रैप स्टाइल इज यूनिक बट रिजेंबल्स टू अदर आर्टिस्ट। ये है बॉब बी, गेट्स रेडियो हिट रेडी। आई गेस बस यूं ही कुछ करने के लिए बस बटन लिफ्ट कर देते हैं। फिर ये गए इक्का के गैंगस्टर बनने। अपनी वॉइस को लेके मुझे ठीक लगा डिसीजन। अगले रैपर आया मेट्रोइड, जो ट्रैक लेके आया दिल लगी, मुझे पसंद ही नहीं आया। रैप भी नहीं अच्छा था ना, कोई लाइन भी अच्छी नहीं, कुछ भी नहीं, बस बीट ही थोड़ा अच्छी लगी। बट सब फीका हो गया वॉइस सुन के। बीट को सबने अप्रिशिएट किया बट रैप को नहीं। EPR टोल अनकॉन्फिडेंट सिंगिंग एंड नो माइक ड्रॉप 0। सो अगले रैप को बुलाया गया जो कि है रैप ID हिमाचल से आए, 2010 से रैपिंग कर रहे, रिप्रेजेंट करते कॉन्शियस रैप विच वॉज माइंड ब्लोइंग एंड ग्रेट टॉपिक टू शोकेस एंड फॉर बी सेलेक्टिंग अ बिट कॉमन लाइंस मिली इन देवी रैप। कॉन्शियस की जगह लगा स्टोरी टेलिंग बट बीट भी नहीं नाइस थी। सो गुड एज वॉज रेडियो रेडी। EPR किल्ड इट, लाइक डिड एज सोशल रैप एंड ही गॉट थर्ड माइक ड्रॉप एंड ही चूज टू बी गैंगस्टर टू फाइट डेविस। आई लाइक हिज सेल्फ डिसीजन। फिर आई एक और फीमेल रैपर जया फ्रॉम हरियाणा रिप्रेजेंटिंग कमर्शियल रैप। मैनर ट्रैक जो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, माइक ड्रॉप भी नहीं मिले बट DMC सपोर्टेड हर एंड आई लाइक इट एज मोमेंट बिकम ली सपोर्टिव दे वर जस्ट अप्रिसिएटिंग। देन केम नेक्स्ट रैपर शेडी मेलो फ्रॉम आसाम हु रिप्रेजेंटेड इज कल्चर। ट्रैक वॉज रफा दफा और मैंने कर दिया इसको ही रफा दफा फ्रॉम माई टॉप कम्पीटिंग लिस्ट ऑफ हसल 3 फेवरेट रैपर्स। रेडियो रेडी तो मिला ही एंड ही गॉट EPR रिबेल्स। बढ़ते हैं 1 by 1 अगले रैपर पे। प्रिंस द आर्टिस्ट सिंग द हिडन पर्सनैलिटी विच ही स्विचेज रिप्रेजेंटिंग रेडियो हिट्स। पर क्या इनको रेडियो रेडी मिलेगा, मुझे तो नहीं लगता। थोड़ा गेड़ी हम भी कर लें। फुल एपिसोड वॉचिंग रेफरेंस है। इस ट्रैक वॉज वारे वारे, नहीं मज़ा आया ना आया हुआ। काहे का रेडियो रेडी, ना कोई मॉक ड्रॉप, नो रेडियो रेडी, जो कि 2 लाइन के सुन के ही पता चल गया था मुझे कि रेडियो रेडी से नहीं मिलेगा। बट DMC सपोर्टेड हिम लिटरली अ लिटिल बिट इवन बादशाह 2, सो ही विश्ड हिम गुड लक। एंड नेक्स्ट रैपर अराइव्ड, उदय अ बैटल रैपर। आई हैड जस्ट 1 बैटल इन माई करियर वेयर आई वॉन इट वॉज अ फ्री स्टाइल एंड लेटर आई रोट इट एंड देन अगेन आई मेड द वीडियो अपलोड इन माई चैनल सो यू कैन चेक इट बट लेटर फर्स्ट कीप वॉचिंग इट यू आर इन्जॉइंग। सो ऑन शो अनदर लिरिसिज्म रिप्रेजेंटिंग रैपर विद जीनियस राइटिंग केम विद दिस ट्रैक बैलेंसिंग शीट्स बट इतना रशी स्पीडी दैट वर्ड्स वर नॉट क्लियर। क्या बोल गया, लिरिक्स भी नहीं रीड कर पाए। स्क्वाड बॉस इज टोल फ्लो टाइट स्किल रैपर अंडरग्राउंड रैपर लाइक बट ईज इन फ्लो बस सेंट हिम इन DMC सो दैट हिज इंग्लिश इज फोनेटिकली मोर क्लियर बिकॉज इट मैचेस समवेयर एंड ही कैन लर्न फ्रॉम डी एंड कैन ब्लास्ट द स्टेज लाइक अ डायनामाइट। उदय वॉज जस्ट 18 एट द एंड इट वॉज टोल्ड बाई डी हर्सेल्फ वॉट अ टैलेंट। फिर खत्म हो जाता है ये एपिसोड। सो लेट्स रिव्यू दिस एपिसोड। एपिसोड बिगेंस विद MC Square अपेयरेंस विद सॉन्ग ले ले रोम रोम एंड ओल्ड बैंगर रिपीटेड। देन ही गोज एंड आउट कम्स 100 RBH विद खतरनाक एग्रेसिव वॉइस ऑल दो लैंग्वेज आई कुडेंट फुली ग्रैस्प। हिज ट्रैक वॉज अमरावती पोता, ही इज फ्रॉम अमरावती, ही मैंशन गीता इन हिज रैप, हिज हिंदी सेक्शन वॉज क्लियर टू मी, ही गॉट स्टैंडिंग ओवेशन फ्रॉम एवरी वन, ही हैड फायर इन हिज आईज, एवरी वन प्रेज्ड हिम एंड बस सेंट हिम टू डायनामाइट्स। नेक्स्ट रैपर केम विश अ स्टैमर, आई फुली सपोर्ट हिम एज सीइंग सच आर्टिस्ट आई बिकम इंस्पायर एंड इमोशनल एज वेल एज टू विश वंस रैप्स देन ही डिडंट स्टैमर इट्स ट्रू दैट म्यूजिक हील्स ही जॉइंस EPR विद हिज ट्रैक ओम हायनी करके। इसे सुनकर बहुत ही मजा आया, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही प्यारा। फिर क्या अगले रैपर को बुलाया गया जो आवा बेसिक रिप्रेजेंटिंग बुंदेलखंड फॉल्क म्यूजिक टाइटल भूलो भटको। इट वॉज सच अ बेसिक ट्रैक लाइन्स नाइस रैम some rapper should come like this as they will eventually eliminated. His second verse was nice, it was more than basic like his overall flow in verse. It was his first performance on the stage,
अरे भूलो भटको आगो मोड़ा रैपर बन के गाओ मनोरंजन है हो रो। अरे भूलो भटको आओ गाओ मोड़ा रैपर बन के गाओ मनोरंजन हो रो। बस सेंड हिम टू बिकम वॉरियर एंड अचीव मास्टर इन हिज बेसिक टेक्निक्स। अगले रैपर को बुलाया गया स्टेज पे जो थे शेन बी। इक्का उन्हें देख के बोले कि तुम्हें अपना नाम छोटा बी रख लेना चाहिए यानी कि स्मॉल बी। बोले तो बादशाह छोटा। बिकॉज ऑफ हिस लुक ही रिप्रेजेंटेड इंस्पिरेशन सॉन्ग फॉर द टॉप 16 पोजिशन। हिस ट्रैक वॉज मुझे देख जो कि प्री रिटन सॉन्ग है बिफोर हसल। ही इज फ्रॉम जम्मू। हुक वॉज नाइस हिज ग्रिप वॉज टाइट ऑन हुक पार्ट ही वॉज लैकिंग बट हिज ऑल दो हिज हुक वॉज आई लव्ड। इवन लिरिक्स सो गुड डी सपोर्टेड हिम एंड सी माइक ड्रॉप। ई पी आर कोट इज लाइन लैंड लाइन लैंड माइन राइम बट देर वर नो मोर माइक ड्रॉप सो ही वॉज इन येस ही वॉज गिवेन अनदर चांस। फिर आए बुर्रा जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। उनमें कुछ लगा नहीं। आई डोंट नो व्हाट्स योर व्यू बिकॉज इट्स अ रैप शो तो हमें रैप चाहिए ना कि बस सिंपल सिंगिंग। जो कोई भी गाना सुनता होगा मेरे ख्याल से उसे भी नहीं पसंद आया होगा। और फिर इसने चुना डीनो वॉरियर्स को वॉरियर बनने के लिए। शायद इम्प्रूवमेंट आए देखते हैं। फिर शो पे रैपर लेखक जो अपनी सिंपल वाइब के साथ आए और उन्होंने बोला कि मैं रिप्रेजेंट करता हूँ टाइमलेस इमोशंस। इनके टाइटल द रैप का गुड बाय। EPR गेव स्टैंडिंग ओवेशन एंड DMC गेव माइक ड्रॉप। मुझे तो ठीक लगा एज अ सॉन्ग इट वॉज बेटर देन बुर्रास ट्रैक। इनके बाद आए शो के आखिरी रैपर MNDP रिप्रेजेंटिंग बार रेज म्यूजिक। ट्रैक इनका था दिक्कत क्या है। मुझे एक लाइन बहुत प्यारी लगी इसकी। मेरे कागज़ पे है अक्षर पर इन्हें कहने में है दिक्कत। कोई माइक ड्रॉप नहीं और काहे का रेंज रैप कुछ भी मुझे पसंद नहीं है। एवरीवन अप्रिशिएटेड दो द लास्ट परफॉर्मेंस द एपिसोड डिसअपॉइंटेड बट द गुड न्यूज वाज इज इन माय प्रेडिक्शंस ऑफ एलिमिनेशंस वर लेखक जया मिट्रॉइड एंड MNDP। कि आपकी भी यही थी तो कमेंट करके बताइएगा। अगर आप इस सेक्शन तक पहुंचे वीडियो के आगे बढ़ने से पहले ही कमेंट कर दीजिएगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हुआ। चलते हैं नेक्स्ट एपिसोड बैटल ग्राउंड रिजल्ट्स। बैटल ग्राउंड एपिसोड शुरू होता है 6 नॉन क्वालिफाइड कंटेस्टेंट के साथ जिनको बुलाते हैं फॉर 3-वे बैटल जिनमें फर्स्ट बैटल होती है जया शेन बी MNDP के बीच। वेयर शेन बी इजली विंस विद इज JK02 ट्रैक एंड ब्रेथ कंट्रोल वॉज अमेजिंग। हुक वॉज सो नाइस एट दी एंड विद जस्ट ब्रेक एंड पॉज मेड इट सो ऑसम दैट शेन बी रॉक्ड। जया दो इम्प्रूव एट MNDP शो वेरिएशन बट डिसीजन वॉज ऑलरेडी इन फेवर ऑफ शेन बी एंड शेन बी जॉइंस द DMC। शेन बी का हुक था मेरे खून में भरा JK02 है जुनून में भरा JK02 बिन बात भसड़ हट पीछे हो हूँ मशान से खड़ा यहाँ। MND अपने हुक के साथ आए परे रै 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 परे रै परे रै 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 परे रै परे रै। मुझे तो लगा इनका यही हुक है। वेल नेक्स्ट बैटल की बात करते हैं जो बिगेन होती है मीटोराइड से लेखक एंड प्रिंस द आर्टिस्ट सिंह के बीच जहां लेखक का इंप्रूवमेंट बहुत ही अच्छा था बट मीटोराइड शो अ वेरी रेजिंग परफॉर्मेंस बट बादशाह सपोर्टेड प्रिंस द आर्टिस्ट सिंह एंड चूज हिम एज विनर। वेट 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 लेट मी गिव द सुटेबल वर्ड द सर्वाइवर एंड जॉइन द DMC एज प्रिंस कम्स विद दिल द लुटेरे एंड दिल लूट गेवा। रिजल्ट के साथ ये है टॉप 16 कंटेस्टेंट ऑफ हसल 3.0 एंड दे आर इक्का गैंगस्टर के मेम्बर हैं केडन बादल रैप ID बॉब बी और डीनो वॉरियर्स हैं विजय दादा बुर्रा बेसिक एंड पोएट शेफ। डायनामाइट्स आर शेन बी प्रिंस द आर्टिस्ट सिंग्स 100 RBH एंड उदय। और आखिरी स्क्वाड EPR रिबल्स हैं शेडी मेलो विश गॉश एंड मृणाल शंकर। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से टॉप 4 एंड फैफ फ्रॉम ईच स्क्वाड आर पोएट शेफ from Dino Warriors, Kaden from Ikka Gangsters, and Shen B from Dynamites, and Mrunal Shankar from EBR Rebels. और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा जो रिव्यू है क्विक रिव्यू वो यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। बाय बाय मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। स्टे ट्यून्ड।